नाहन विधानसभा क्षेत्र के सलानी कटोला पंचायत में भारी बारिश से बड़ा नुकसान हुआ है। देर शाम सलानी कटोला के चारवाला में भारी बारिश के कारण भूस्खलन की चपेट में आई महिला का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। महिला को तलाशने के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर मौजूद हैं। साथ ही प्रशासन भी दरबल के साथ सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंच गया था, लेकिन लापता 27 वर्षीय महिला का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। वहीं एसपी सिरमौर सोमदत्त ने बताया है कि सूचना मिलने के बाद प्रशासन की मौके पर पहुंच गई थी और राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। पिछले कल सूचना मिली थी कि एक लेडी जो है वो मलबे के नीचे दब गई है, तो सूचना मिलते ही पुलिस और होमगार्ड्स के जवान यहाँ पे पहुंच गए थे, साथ में पब्लिक लोकल पब्लिक साथ ही, और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा होने के कारण वो जो उनकी बॉडी है वो निकाल नहीं पाए। और अभी भी मॉर्निंग से होमगार्ड भी, पुलिस भी और आम पब्लिक भी काफी कोशिश कर रहे हैं बॉडी को निकालने के लिए। कभी उनका एक मोबाइल मिला है, एक उनका पर्स मिला है, परंतु अभी तक बॉडी जो है नहीं मिल पा रही है। और चूंकि काफी बड़ी नीचे ढांक है ये, तो नीचे जेसीबी का जाना बड़ा मुश्किल है, तो इसलिए मैनुअली जो है वो सारे लोग काम कर रहे हैं, होमगार्ड्स के भी, पब्लिक लोकल काफी लोग हैं, 100-150 लोग नीचे काम कर रहे हैं, तो कोशिश करेंगे कि आज निकल जाए और रोड जो थ्रू रहे। प्रत्याशी महिला संगीता ने बताया है कि इस सड़क से कई लोग फैक्ट्री से काम कर वापस गांव की तरफ लौट रहे थे और इसी दौरान यहां पर एक महिला भूस्खलन की चपेट में आ गई। सर 6:30-7 बजे की घटना है। हम यहां पे खड़े हुए थे और वो हमारे साथ आई थी, मतलब कि हमारे पीछे आई थी वो। हम आने लगे थे पैदल पैदल, जबकि मैं अकेली आई थी और तब के मेरे साथ में कोई भी नहीं था। और मैं आई और पहले मैं निकल गई और फिर उसके बाद हमारे लड़के जो थे ना, हमारे साथ वाले बच्चे, वो आए और वो भी निकल गए और पीछे से आई हो वहां पे निकली और रास्ते में, और हमने उसको रोका। मैंने कहा ऐसे आप रुक जाओ, मैंने कहा ऐसे नहीं जाओ, और रुक पड़ते ना दांगे गिरने लग रही। तो वो बोलती कह रहे नहीं मैं चल जाऊंगी। मैंने कहा नहीं नहीं रुक जाओ, मेरी बात भी लगी थी वैसे ना। मैंने बोला, मैंने कहा तुम रहने दो, और मैंने कहा जाओ नहीं, कहा नहीं नहीं चल जाऊंगी। और फिर ऐसे निकल के आ गई हो यहाँ पे, थोड़ा आगे को आई, यहाँ जैसे आई और ऊपर से स्लिप आ गया, स्लिप के साथ ही चली गई नीचे को। वहीं पंचायत प्रधान अनिता गोड अवस्था ने बताया कि भारी भारी से इस पंचायत में बड़ा नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा है कि महिला की तलाश के लिए देर रात से ही ग्रामीण मौके पर बैठे हुए हैं। प्रशासन द्वारा यहां पर सक्रियता के साथ काम किया जा रहा है। इलाके में जो 4:30 बजे से कल बारिश शुरू हुई थी, भारी बरसात, उसमें बहुत लोगों के जो है घर के आगे से डंगे गिर गए, घर के बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा जो जान माल का नुकसान हुआ है वो यहाँ चरवाले के पास भारी जो लैंडस्लाइड हुआ है उससे काफी नुकसान हुआ है, और उसमें एक महिला की जो है वो जान भी चली गई। वो महिला यहाँ से गुजर रही थी तो अचानक ऊपर से लैंडस्लाइड हुआ और वो महिला नीचे बहुत गहरी खाई में दब गई है, अभी तक उसका कोई पता नहीं चला है। वो रहने वाली कंडई वाला की महिला बताई जा रही है, उसका नाम बलिंदर बिंदर, वाइफ ऑफ पालाराम बताया जा रहा है। लेकिन अभी तक रात से उसके बचाव कार्य में गांव के ग्रामीण, ग्राम पंचायतों से लोग, दोनों पंचायतों से, नाहन से भी और यहां के भी लोग लगे हुए हैं सलानी कटोला से। लेकिन अभी तक पूरे प्रशासन से, एसडीएम साहब, पुलिस, होमगार्ड, सभी जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं, उनकी खोज में लगे हुए हैं, बचाव कार्य जो है यहाँ पे चला हुआ है, लेकिन अभी तक उस महिला का कोई पता नहीं चला है। ये पंजाब केसरी टीवी के लिए नाहन से दलीप सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।